नमस्ते। सो आई एम दीपिका मेघवाल, मैं देहरादून से हूँ, ये मेरा गांव है, हमारी जन्मभूमि है। और फाइनली आज मेरे भाई की मेहंदी है, मतलब कल शादी है, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। लव यू भैया, बहुत सारा आपको लव यू। आप सब लोग शादी में आए? शादी में आए सर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आप उन्हें कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने जो हमारे सामने अपना कैमरा लाया है। हम इस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और चाहते हैं कि ये लंबे अपने यात्रा को अच्छे ढंग से, दोनों कपल अच्छे ढंग से आगे बढ़े, और हमारा इन दोनों के लिए आशीर्वाद है। हमारे नाती जी हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको शादी में? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही खुशगवार, और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आशीष के लिए। ये अपने वैवाहिक जीवन को मैंने बहुत अच्छे ढंग से चलाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आशीष के लिए। धन्यवाद दादाजी। मेरे एक चीज़ बहुत अच्छे आइडियल रहे हैं कि आज की डेट में हर कोई देखा होगा हमने कि हर कोई अल्कोहल होता है, लेकिन मेरे इस चीज़ में मेरे आइडियल जो है वो मेरे दादाजी हैं। अरे इनकी बगल, इनके देखे मैंने इन चीज़ों से दूर ही रहा हूँ और ज़िंदगी में चाहता हूँ वैसे तो ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। चलो, बहुत लंबा समय बाद आज बेटे की शादी है, बहुत सौभाग्य का दिन है। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए तो भगवान विश्वनाथ काशी की तपस्थली और नारायण मंदिर यहाँ पर नारायण कोटी में, और यहाँ पर हमारे बेटे की शादी हो रही है। और सभी यहाँ पर हमारे DSP साहब, देहरादून से पूरी टीम, अगस्त मुनि की पूरी टीम, और सभी हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, रिश्तेदार हैं, सब आज नारायण कोटी में आ रखे हैं। और भगवान राजा की कृपा से मौसम भी बहुत बढ़िया है और बहुत सुहावना है, और भगवान जागराजा से हम प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य हमारा बहुत अच्छे ढंग से निभे और शांतिपूर्वक। और जितने मेरे सम्मानित माननीय अतिथिगण आ रखे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने इतनी दूर से आकर और मेरे बेटे को आशीर्वचन के रूप में देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज मैं देहरादून से आया हूँ, सब परिवार आ रखा हूँ, और बेतवाल जी हमारे छोटे भाई हैं, उनकी बेटी की शादी है, और हम बेटे को आशीर्वाद देने आए, बहू को आशीर्वाद देने आए हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रहा है। हेलो, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग, और यहाँ पे हम शादी में आए हैं, एंड आई एम ब्रदर सिस्टर जो है उनकी शादी है, बस और क्या बोले, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी अगर जो इन्वाइटेड हैं वो खूब सारा खाना खाइए, मज़े करिए, डांस करिए, और दैट्स ऑल, थैंक यू। चलो यार, बहुत लंबे समय से हम लोग वो कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और आज ये समय आ ही गया कि हमारे बेटे की शादी हो रही है। और यहाँ पर ये कॉटेज भी इस टाइम पे बने, आज इन हमारी शादी, इस बेटे की शादी के मौके पे इन कॉटेजों का भी उद्घाटन हो गया। और आज बहुत खुशी की बात यह है कि देहरादून से, अगस्त मुनि से, सारे हमारे मित्रगण, जितने हमारे सगे संबंधी हैं, सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी दूर से आप लोगों ने आकर और यहाँ पर हमारे बालक को आशीर्वाद वचन देने के लिए आए, और आज सब लोग यहाँ पर जो रमणीक दृश्य लग रहा है, सभी लोग बड़े प्रफुल्लित हैं कि इस गांव में बहुत अच्छा, हमारा नारायणकोटी जो गांव है, प्रकृति के सुरम्य एक स्थान के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, और आज हमारे बेटे की शादी यहाँ पर सम्पन्न होने जा रही है। इसके लिए मैं भगवान जागराजा से, सह देवता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बेटे और बहू की जोड़ी सलामत रहे और उन्हें खुशी रखे और हमारा कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी आगंतुक मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जाग देवता की कृपा से मेरे बहू बेटा खुश रहे, आशीर्वाद से खुश रहे दोनों के दोनों। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि आज मेरे भाई की शादी, क्यों मम्मी? हाँ जी, खुश है तो खुश की बात है, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमारे भाभी आ जाएगी, कितने मजे करेंगे, भाभी को ले जाइए तो देहरादून, देहरादून ओके। सो भाभी के लिए बहुत सारा वेलकम, आपको इतनी प्यारी सी सास और इतनी नटखट सी ननद मिल रही है, आ जाओ भाभी। कैसा लग रहा शादी में? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मजे आ रहे हैं आपको शादी में? मजे आ रहे हैं। चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी के उपलक्ष्य में मुझे अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने का सौभाग्य मिला है,
और ये दिन सबकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है कि इंसान का क्या है कि सबसे मिलना जुलना एक ही तो दिन है जिसमें मैं अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हूँ और कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको मैं पहले कभी मिला भी नहीं था बचपन से, लेकिन आज उनसे मिल रहा हूँ और उन सबसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब अच्छा लग रहा है कि मेरी खुशी में सब शामिल हो रहे हैं और इसका ये दिन हर किसी की ज़िंदगी का सबसे बढ़िया रहता है।